दोस्तों हर रोज मैं जब फीचर न्यूज लेता हूं तो बात करता हूं या तो सैमसंग, एप्पल, शाओमी, असुस, ऑनर, वावी, इन लोगों के बारे में, इन फोन्स के बारे में या इनकी न्यूज के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं आई वूमी आई प्रो के बारे में। आई प्रो एक नया फोन है जो आई वूमी चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने लॉन्च किया है। ज्यादा बात नहीं करते इनके बारे में हम, लेकिन उन्होंने एक अच्छा फोन लॉन्च किया है, एक सुपर चीप 3999 का फोन है। एंड्रॉइड गो है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 4.85 इंच की FWVGA स्क्रीन है उसमें, साथ में 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर है। ओवरऑल 3999 में इट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट स्मार्टफोन। जी हाँ, स्मार्टफोन है। इसका मतलब जियो फोन को जाने की क्या जरूरत है, आपके पास आई वूमी आई प्रो है। Realme 2 Pro के बारे में क्या बोलूं दोस्तों, आपको सभी कुछ पता है। जी हाँ, मैं उसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जो बाहर आ गया है। कैसे दिखता है पता है, वाटर ड्रॉप नॉच पता है, पीछे ग्लास बिल्ड या फिर कंपोजिट मटेरियल पता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंगली हमने जो पोल किया था परसों के दिन, उधर कहा था कुछ 60-70% लोगों ने कहा था P60 पे आएगा, लेकिन वो गलत रहे। 25% लोगों ने कहा था कि SD660 पे आने वाला है और वही सही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 10,000 से 20,000 के बीच में होने वाली है। इसका मतलब ये 3GB वर्जन, 4GB वर्जन, 6GB वर्जन और 8GB वर्जन, ऐसे सभी रेंजेस में आएगा, क्योंकि प्राइस रेंज जो दी हुई है 10,000 से 20,000। तो लोवेस्ट वर्जन 10,000 के करीब, सबसे ऊपर वाला वर्जन 20,000 के करीब। वैसे दोस्तों बता दूं, बॉक्स हमारे पास आ गया है और रिव्यू भी हम डिटेल में आपको जरूर देंगे लॉन्च के लिए। ओहो, इंट्रोडक्शन देना भूल गया। जी हाँ, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई। आप जो नए लोग आए हुए उनके लिए है ये इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 213। ऐसी टेक न्यूज हम रोज देते रहते हैं, आज भी बहुत सारी टेक न्यूज लाए, साथ में आज का ज्ञान भी है। लेकिन दोस्तों ट्रैकिंग टेक के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारी जो ट्रैकिंग टेक फैमिली है बहुत बड़ी हो गई है। Congratulations to you guys! आपकी वजह से हम इधर तक पहुंचे। वैसे दोस्तों और भी बढ़ाने हैं सब्सक्राइबर्स, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो अभी जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के ज्ञान की तरफ। आज का ज्ञान ऐसा है कि Xiaomi ने अग्री कर दिया है कि MIUI में हम एड्स डाल रहे हैं। जिधर हमें जगह मिलती है उधर हम एड्स डालते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज के ज्ञान में हम आपको बताने वाले हैं कि ये एड्स आप कैसे हटा सकते हो। सिंपल है दोस्तों, आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप के सेटिंग्स में, रिकमेंडेशंस में जाना है, ऑफ करना है। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमने एक डिटेल्ड ट्विटर पे थ्रेड बनाया हुआ है, आप जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस ट्विटर को थ्रेड को पढ़िए और जाके ऑफ कर दीजिए ताकि आपको एड्स ना दिखे। वैसे आप जब ट्विटर पे होंगे तो फॉलो भी जरूर कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है। और सैमसंग भी दोस्तों घुस गया है ट्रिपल कैमरा के ट्रेन में। जी हाँ, जो वो ला रहे हैं सैमसंग A7, जो A6 का सक्सेसर है, सैमसंग A7 2018 वर्जन जो है, इसमें 3 कैमरास वर्टिकल आने वाले हैं। उन्होंने लॉन्च नहीं, अनाउंस कर दिया है, बहुत ही जल्दी सेल में भी आ जाएगा। लेकिन इसमें होने वाला है 6 इंच की FHD+ स्क्रीन। प्रोसेसर बताया नहीं है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, ओवरऑल ठीक ठाक है। लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि ये कुछ 25-28 हज़ार तक होगा। ये एक मिड रेंज का फोन है, A6 जो था वो कुछ 15-16 या 17 हज़ार का था, लेकिन ये 10,000 से एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि 3 कैमरेज हैं। अब ये 3 कैमरेज क्या करते हैं वो जब हमारे पास फोन आएगा तो रिव्यू करके आपको जरूर बताएंगे। Nokia 6.1 Plus मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं कम से कम 5-8 बार बोल चुका हूँ। उसका छोटा भाई Nokia 5.1 Plus भी आ रहा है और मुझे लगता है ये भी अच्छा फोन होगा। बाहर के यूरोप में वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और उधर उसकी प्राइस कुछ 18-20 हज़ार है, लेकिन 6.1 Plus इंडिया में 16,000 को मिलता है। इसका मतलब ये जो 5.1 Plus होगा, जो नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, HD+ स्क्रीन है, ग्लास बॉडी है, USB Type-C है, ओवरऑल अ ग्रेट फोन, P60 प्रोसेसर है, तो अगर ये 12,000 और 14,000 के बीच में आता है, That will be my new favorite in that particular price range. जी हाँ, Realme 2 Pro भी आ रहा है, Nokia 5.1 Plus भी है। वैसे दोस्तों सभी फोन्स के रिव्यूज, डिटेल रिव्यूज हम आप तक पहुंचाने ही वाले हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, बढ़िया रिव्यूज मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों कल एक न्यूज देना भूल गया, इसलिए मैं आज दे रहा हूं। JioPhone एंड JioPhone 2 पे YouTube का ऐप आ गया है, अच्छी बात है।
कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि WhatsApp आया हुआ है और अब YouTube ऐप भी है। आपको क्या करना है, जियो ऐप स्टोर में जाना है, आपके पास अगर जियो फोन होगा तो उसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और यूज करना, चालू करना है। मतलब हमारे वीडियोस ट्रैकिंग टेक जो आप सब्सक्राइब हो उसके यूट्यूब खोलिए, जाइए ट्रैकिंग टेक सर्च कीजिए और वीडियो देखते रहिए। दोस्तों वैसे वावी मेट 20 प्रो जो है, मेट 20 एंड मेट 20 प्रो ये कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन दो चीजें सामने आई है, उसका जो कैमरा है बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक तो उसमें अंडर वाटर मोड होगा, IP67 सर्टिफिकेशन है, लेकिन अगर पानी के नीचे आपको फोटोग्राफी या वीडियो निकालना है तो अंडर वाटर मोड होगा, ये पहला ही फोन होगा जिसमें ये होगा। लेकिन और एक चीज, इट विल बी अ फर्स्ट इन अ फोन, और वो है वीडियो बोके मोड। फोटो बोके मोड तो आपको मालूम है, अब ये जो है वीडियो बोके मोड, जब आप वीडियो खींचोगे तो पीछे ब्लर बैकग्राउंड कर पाओगे, सोचिए एकदम प्रोफेशनल वीडियोज आप खींच पाओगे। लेकिन इसमें मुझे एक बात कहनी है आपको, किरिन 980 का जो प्रोसेसर है कितना फास्ट होगा ये सोचिए, क्योंकि अगर वीडियो मोड बोके मोड मिलने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है और ये जो किरिन 980 है वो करता है ये पॉसिबल। वैसे दोस्तों ये फीचर सब में होना चाहिए, वीडियो बोके मोड, तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। और वैसे आपको ये फीचर्स के बारे में क्या लगता है ये कमेंट में हमें बताइए, जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों कल हमने पोल किया था, उसमें हमने एक पूछा था कि भाई 50,000 अगर आपके पास हो तो आप कौन सा फोन लोगे। इंटरेस्टिंग जवाब आए, 59% लोगों ने कहा OnePlus 6 लेंगे, उसकी प्राइस कुछ 35,000 या 40,000 है, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई 10,000-15,000 बचाएंगे और OnePlus 6 लेंगे। Samsung Galaxy S9 को मिले कुछ 23% वोट, LG ThinQ V40 ThinQ जो है, या फिर LG ThinQ V30 ThinQ या LG ThinQ, I don't know यार, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो Asus Zenfone 5Z, इनको 5% 8% ऐसे वोट्स मिले हैं, तो लोगों को OnePlus 6 बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ये क्लियर है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली कल आउटडोर किया था हमने न्यूज, तो हमारा जो ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट था वो मैं बताना भूल गया। मैंने भूल तो नहीं गया था, लेकिन मैंने जब बताया रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए एडिटिंग में मिला नहीं और हम आ गए थे वापस स्टूडियो। तो आज हम बताने वाले हैं परसों के विनर रामचंद्र दीक्षित, ये जो है ये हमारे TTTH के विनर है 211 इस एपिसोड के, और उनको बहुत ही जल्दी उनका जो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर है वो मिल जाएगा। अगर आपको भी जीतना है दोस्तों तो आज की टेक न्यूज में आपको किधर ट्रेजर हंट मिला ये जरूर बताएगा #TTTH, साथ में टाइम स्टैम्प और क्या दिखा ये कमेंट्स में हमें बताइए, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर आपका। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 213 इधर ही समाप्त होती है, अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।